फेमस पोर्न स्टार मिया खलीफा ने अपने ब्रेस्ट को लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो सच बोल रही हैं या झूठ। जी हाँ, पोर्न स्टार मिया खलीफा ने पोर्न की दुनिया से अब दूरी बना चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो काफी पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं, साथ ही उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है। मिया खलीफा ने हाल ही में टिकटॉक पर अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि उनके ब्रेस्ट नकली हैं और इनके इम्प्लांट के लिए उन्होंने लाखों रुपए की रकम खर्च की है। मिया खलीफा अपने वीडियो में कहती हैं कि उनकी होने वाली बेटी को उनके जैसा फिगर लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि वीडियो में मिया खलीफा अपने होने वाली बेटी से बातचीत की एक्टिंग करती नजर आ रही है। मिया खलीफा अपनी होने वाली बेटी के रूप में कहती हैं, मम्मी मैं बड़े होने के बाद आपके जैसा दिखना चाहती हूँ। तो फिर इसके जवाब में मिया खलीफा कहती हैं, मम्मी ने अपने ब्रेस्ट पर $13,000 यानी लगभग 9,90,000 रुपए और नाक की सर्जरी पर $15,000 यानी लगभग 11 लाख रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बेहतर है कि तुम बचत करना शुरू कर दो। अब मिया खलीफा की ये बातें लोगों को रास नहीं आ रही, लोगों के विश्वास ही नहीं हो रहा कि मिया खलीफा के ब्रेस्ट नकली है। और इसके पीछे की वजह है खुद मिया खलीफा का एक बयान। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान मिया खलीफा ने एक खुलासा किया था कि पॉर्न फिल्मों से उन्होंने केवल $12,000 यानी लगभग 9 लाख रुपए ही कमाए थे। अब ऐसे में फिर लोग ताज्जुब में हैं कि उन्होंने इतना खर्च अपने ब्रेस्ट और नाक की सर्जरी पर कैसे किए। बता दें कि मिया खलीफा ने साल 2014 में पॉर्न इंडस्ट्री में कदम रखा था। मिया खलीफा लिबनान मूल की है और पॉर्न इंडस्ट्री में उन्होंने खासा नाम कमाया। वहीं हिजाब में पॉर्न फिल्म शूट करने के कारण मिया खलीफा को एक बार जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।